न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम मोदी ने दिया किसानों को मुस्कुराने का एक और मौका। एमएसपी बढ़ाने से होगा देश के 14 करोड़ किसानों को लाभ, अर्थव्यवस्था में आएगी नई जान। एमएसएमई सेक्टर को लेकर किए गए फैसलों से उत्तर प्रदेश को मिलेगा सर्वाधिक लाभ। गोरखपुर जिले में मंगलवार को पाए गए 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, मरीजों की संख्या हुई 114, पति पत्नी और चचेरे भाई बहन हैं शामिल, 7 की हो चुकी है मौत, 25 ठीक होकर जा चुके हैं घर, एक्टिव केस हुए 82, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। मंडलायुक्त ने किया बरगदवा स्थित बी एन डायर्स का निरीक्षण, फैक्ट्री में साफ सफाई के साथ श्रमिकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराने के दिए निर्देश। डीजी हेल्थ एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना से बचाव की दी जानकारी, कहा सावधानी और सुरक्षा ही है कोरोना से बचाव। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी ने सदर तहसील के 4 गांव में कोरोना के एक एक पॉजिटिव मरीज मिलने से उन्हें पूरी तरह से किया सील, पिपराइस थाना के ग्राम महाराजी के आसपास लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से किया निरस्त। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से प्राप्त 200 पीपीई किट को सौंपा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी को, दिया एसबीआई प्रबंधन को धन्यवाद, कहा कोरोना में निर्णायक जंग लड़ने में एसबीआई प्रबंधन समिति की है अहम भूमिका। डीएम और एसएसपी ने किया हॉटस्पॉट एवं 4 लेन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने सहित सामानों का डिस्प्ले बाहर करने वाले दुकानदारों एवं अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर मंगलवार को 4500 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ रोडवेज की बसों से उनके गंतव्य को किया गया रवाना, घर वापसी पर श्रमिकों ने दिया योगी सरकार को धन्यवाद। लॉकडाउन 5 में मिली छूट में अनावश्यक शहर में घूम रहे दोपहिया वाहन चालकों का एसपी ट्रैफिक ने किया आगाह, कहा बिना मास्क और बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर गाड़ियों का किया जाएगा चालान। मंगलवार को रीसेंट डेवलपमेंट इन मटेरियल साइंस विषयक 2 दिवसीय इंटरनेशनल वेबिनार का सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज में हुआ उद्घाटन, 8 प्रख्यात वैज्ञानिक प्रस्तुत करेंगे अपने अपने विचार। मार्ग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लेखपाल योगेंद्र प्रताप सिंह का जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने हॉस्पिटल पहुंचकर स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया नियमित रूप से निगरानी के निर्देश। और व्यापार मंडल गोरखपुर और रिजर्व पार्टी बस ऑपरेटर्स यूनियन ने मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी 5 सूत्रीय मांग पत्र को जिलाधिकारी को सौंपा, गाड़ियों के फाइनेंस की किस्त, वाहनों के प्रति कर, चालकों का वेतन, बीमा आदि माफ करने की मांग।